प्रभु, यह अभिचारी यज्ञ से प्रज्वलित मायावी शक्ति से घटित अभिचारी अग्नि के प्रतिम भस्म धूलि बा, जौन दैत्य द्वारा फेकल अग्नि से बनल बा। और प्रभु, उ दैत्य भी अभिचारी शक्ति से सुसज्जित बा। ओकर संहार कैसे कैल जा सकेला? क्षमा चाहत बानी प्रभु, किंतु ये शक्ति सबसे परिपूर्ण दैत्य के संहार ना कैल जा सकेला। अभिचार यज्ञ से प्रज्वलित मायावी शक्ति से गठित अभिचारी शक्ति से सज्जित और दैत्य के अंत के कौनो ता उपाय होगी? उपचार बा प्रभु, उपचार बा। जोना प्रकार विष के उपचार मात्र विष ही होखेला, वही प्रकार अभिचारी यज्ञ के उपचार भी मात्र यज्ञ ही बा। और प्रभु, और एकरा खातिर रउआ पास अक्रूर के विद्वता तबाही। काना, ये कार्य खाली महामुनि गर्गाचार्य के ही शोभा देवेले, किंतु महामुनि तक कल्याण के व्यवहार से शुभ्ध होके तीर्थ यात्रा पर निकल गईले। उनकरा बिना ये कार्य असंभव बा। अक्रूर जी, असंभव के संभव करे के प्रयास कैल जाए। रउवा तब महाज्ञानी बानी, अनुभवशील बानी, ए समय केवल रउवे बानी जे द्वारका के अस्मिता के रक्षा कर सकेले। कृपया हमार प्रार्थना स्वीकार करी। अरे सुना, तू दोनों अभी तक येजे बाड़ू, शीघ्र जा। और हाँ, कलश पहुँचल की ना? जी भेज दी नी दीदी। ठीक बजा, शीघ्र जा। रुका। चंदन के लकड़े और कलश पहुँचा देला। जी हाँ। कुछ उपला भी पहुँचाए खाती कहले रानी, शीघ्र पहुँचावा। जी। ये सब तो ले लेनी, हल्दी कुमकुम सिंदूर और कपूर ना लेनी। तू जाओ, शीघ्र लेके आवा। हम गंगा जल और फल के प्रबंध करत आनी। हमार तो ऐसे प्राण निकल रहल बा। हाँ हाँ, कैसे अग्नि उगल रहल बा उदानव। अब महादेवी जाने कैसे रक्षा होगी हमार। हाँ हाँ, चला चला। दैत्य से मुक्ति अति आवश्यक बा। हमके हमार प्रत्येक द्वारका के वासी सुरक्षित चाही। अग्नि बढ़ावा। हम दक्षिणागिरि के बढ़त देखल चाहत बानी, ओके विशाल से विशाल सम बनावा। आज द्वारका भस्म होके के चाही। अक्रूर जी, हम सब जानत बानी के रउवा महाज्ञानी बानी, वैदिक शास्त्र के ज्ञाता बानी, तथा हवन और यज्ञ के रउवा संपूर्ण ज्ञान बा। श्री कृष्ण, जब कोनो दैत्य अभिचारी शक्ति से निर्मित कैल जाला तो ओकरा पर साधारण अस्त्र शस्त्र और शक्ति के प्रभाव ना पड़ेला। ओकरा खातिर यज्ञ द्वारा शक्तियन के उत्पन्न करे के पड़ेला। यह शक्ति सब ऐसा अभिचारी शक्ति से रक्षा करे में समर्थ हो खेली। नारायण नारायण। इस प्रकार के अभिचारी शक्ति के आमंत्रण मात्र एगो निश्चित कार्य के पूर्ण करे हेतु ही कल जाला। अक्रूर, यही यज्ञ से उत्पन्न शक्ति उ दैत्य के समाप्त करके द्वारका के सुरक्षा कर सकी? महाराज, द्वारका के चारों ओर ई शक्ति के दैत्य की शक्ति भेद ना सकेले। कृपया ई बताई, ओ दैत्य के प्राण ए शक्ति से लिहल जा सकेला? ना कान्हा, बाकी एकरा से ई होखी कि ई दैत्य वही व्यक्ति के पास पहुंच जाए जे ओकरा के भेजले बा। ऐसे का होखी? काऊ व्यक्ति ओके
पुनः भेज सकेला? ना, ऐसा संभव नहीं खे। काहे कि ऐसा अभिचारी शक्ति सब कौनो निश्चित कार्य के पूर्ण करे खातिर आमंत्रित कई जाएली। यदि इनकरा से ये कार्य पूरा ना होखेला तो वो बुलावे वाला व्यक्ति के ही प्राण ले लेवेली। काहे से कि उनकरा बलि तो चाही ही। कृपया संकट से मुक्ति दिलाई। कुछ अग्नि प्रकाश लकड़ियन के आवश्यकता बा यज्ञ खातिर मंगौले बाड़े। भैया हमनी तो स्वयं ही अग्नि ढूंढ रहल बानी। यहाँ सब भूत बात कइल बा। यहाँ ना कहीं और खोजा, द्वारका में खोजा। कोनो ना कोनो पद पर, कोनो ना कोनो घर में तो मिल ही जाए। बहुत ही आवश्यकता बा, जा जल्दी जा। हे प्रभु, इत सत्य ही घोर संकट बा। यदि अग्नि ना मिलल तो यज्ञ ना होखी, और यज्ञ ना भइल तो वो दैत्य समाप्त ना होखी, और यदि वो दैत्य समाप्त ना भइल तो उता द्वारका के सर्वनाश कर दी। हे महादेव, रक्षा करी। हम रोहा से विनती करत बानी, रक्षा करी महादेव। हमनी हर जगह खोजनी, पूरा द्वारका में कहीं अग्नि ही नहीं खे रानी जी। हे प्रभु, वहाँ वो दैत्य द्वार पर बा और अग्नि उगल रहल बा। कहीं पर भी अग्नि ना मिले, लागत बाज अग्नि देव भी परीक्षा ले रहल बाड़े। मैया रवा आसन ग्रहण करी, बैसी चिंता मत करी। मैया रवा चिंतित मत होखी, बैठ जाई। यहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं क्यों हो रहा है? पूरा द्वारका में अग्नि प्रज्वलित नहीं क्यों हो रहा है? हमके ऐसन प्रतीत हो रहल बा कि ये विचित्र संयोग के संबंध पौंडर के मृत्यु से बा। ओकर कोनो ता भाई बंधु बा जे प्रतिशोध लेबे के प्रयत्न कर रहल बा, परंतु उबा के यदि अग्नि प्रज्वलित ना भइल तो द्वारका में प्रवेश कर सकेला। धैर्य रखा देवकी। हमके लग रहल बा यदि केहू पौंडरक के मृत्यु के प्रतिशोध ले सकेला तो उ ओकर पुत्र बा सुदक्षिणा। कृष्ण, ए सृष्टि के ग्रह नक्षत्र अपन गति परिवर्तित कर सकेले, बाकी हमार शब्द अटल बा। तोर विनाश हमरा हाथे निश्चित बा। कान्हा, ऐसन कैसे हो सकेला? तू तो ओकर वध कइले बाड़। नानाश्री, वध करे खातिर हम ओकरा पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ ले रहनी, परंतु जैसे ही ओकरा शीश कटल हम पंचजन्य के वापस बुला लेनी। जादूगर मतलब कहीं ऐसन तो ना कि वो ऐसन कोनो माया रचले होके जैसे जैसे हम सबके लग रहल बाकी कि ओकर मृत्यु हो गई। संभव बा मैया, सुदक्षिणा एगो निपुण जादूगर बा। हो सकेला वो हमरा सामने आपन मृत्यु के नाटक रचले होके, हमसे छल कइले होके। ई संभव बा, कैसे कि पिता और पुत्र के संबंध बहुत शक्तिशाली होखेला। यदि सुदक्षिणा जीवित बा तो ये वही के कार्य बा। हमनी के कोनो न कोनो उपाय तो शीघ्र ही खोजे के होगी।
उदैत्य शक्ति और आकार में धीरे धीरे बढ़ जा रहल बा। धीरे धीरे हमार पंच जन शक्ति के प्रभाव भी ऊपर कम होकर जा रहल बा। कहीं ऐसा न हो कि उदैत्य इतना विशाल काय हो जाए कि हमने भी ओकरा समक्ष शक्ति विहीन बन के रह जाए। कृष्ण, हमके अनुभव हो रहल बा कि दैत्य खाली आक्रमण नहीं कर रहल, ई द्वारिका के भीतर और बाहर के शुभ ऊर्जा के भी सोख रहल बा, वायु के दूषित कर रहल बा। और समय भी तो द्रुत गति से कम हो रहल बा। महाराज श्री कृष्ण, हमनी बिना अग्नि के भी यज्ञ कर सकेली, बाकी ओकरा से उत्पन्न शक्ति इतना शक्तिशाली ना होखी जितना ई अग्नि के साथ होखित। बिना अग्नि के यज्ञ आरंभ करी। जी महाराज। अग्नि से उदैत्य द्वारका में प्रवेश ना कर पाई, किंतु ई होखी बहुत कम समय खाते। परंतु यज्ञ के अग्नि जलल अति आवश्यक बा, परंतु ई जल काहे नहीं खे रहल। मैया, ऐसे अग्नि ना जले काहे कि उदैत्य ऊर्जा सोख रहल बा, वातावरण भी दूषित बा, यही से ए समय यहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रहल। अब कृष्ण के अंत निश्चित बा और हम एके साक्षात देखल चाहत बानी अपनी नेत्र से। अक्रूर जी, हमके अपने कमंडल में से तनी गंगा जल दी। किंतु एकर का प्रयोजन बा श्री कृष्ण? उदैत्य अस्त्र शस्त्र से तमारल ना जा सकेला। दक्षिणागिरी अपन कार्य करा। We'll be right back.
दक्षिणागिरी, ऐसा मत करा, ऐसा मत करा। दक्षिणागिरी, तू के तू के हमार आज्ञा के पालन करे के होकी तोरा पर कोनो मायावी शक्ति के प्रयोग कर गिल बा। शांत हो जा, तू हमार बड़ा, तू हमरा पर ही सब ना कर सकेला। हमार आज्ञा के पालन करा। तार अभिचार के कारण हम अपन लोग से यहाँ पहुँचल बानी और हम अपन बलि लेके ही रहा। अभिचारी कर्म से आमंत्रित दैत्य बलि लेबे खातिर पृथ्वी पर आवेले और हमनी ओकर बलि ना बननी, एही से ऊ उनकर बलि ले लेलस जे लोग एके आमंत्रित कैले रहले। नारायण नारायण, प्रभु के लीला अपरंपार बा, जे जे उनके सुहाए से से होखत जाए। नारायण नारायण, दैत्य के अंत हो गईल। महादेव की कृपा से सब कुशल हो गई। नाना श्री, हमार मन में विचार आ रहल बा, यदि अभिचार यज्ञ के दानव पंचभूत से बनल हो खेले त एकर अर्थ बा कि हमने की भी ओके पंचभूत से ही परास्त करे के होखी। जल, वायु, पृथ्वी, ये तीनों ही अग्नि के रोक सकेले और आकाश तत्व के शक्ति त मंत्र से ही हो खेला। ठीक कहला काना, अभिचार के नियम बा कि अभिचार से प्रकट भइल राक्षस यदि अपन बतावल गई कार्य के संपन्न करे में विफल हो जात बा तो अपन सृजन करे वाला अभिचारियन के विनाश कर देवेले और द्वारिका के प्रत्येक घर के अंधकार दूर हो गईल। पौंड्रक और ओकर पुत्र सुदक्षिणा में प्रतिभा, शांति और साहस के अभाव ना रहल, परंतु ओ लोग स्वयं के विनाश, व्यर्थ के अहंकार, दंभ और मूर्खता भरल महत्वाकांक्षा खातिर कैले। विनाश काले बुद्धि विपरीत, परंतु ई ए संकट के अंत रहल। हमके आशा बा कि भविष्य में द्वारका सुरक्षित और शांत रही। प्रतिशोध, प्रतिशोध एगो ऐसन ज्वाला बा जोन कबो केहू के भला ना करेला। हमनी जैसे अग्नि के कहू और पर फेंके खातिर पकड़ी तब भी वो हमने की यहाँ जला देला, वैसे ही प्रतिशोध की अग्नि हमनी के भीतर और बाहर से जला देले। प्रतिशोध के ज्वाला के शांत करे खातिर क्षमा ही एगो मात्र उपाय बा।